बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको बताता चलूँ, दुबई ने बहुत अच्छा ऐलान किया है। उनका कहना है कि जिन लोगों के वीज़े 1 मार्च से पहले या 1 मार्च के बाद, जैसे भी वीज़े एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने 18 अगस्त तक टाइम दिया था, उससे पहले पहले हमारा मुल्क छोड़ के चले जाएँ, जो 3 साल पुराने भी हैं, 4 साल पुराने भी हैं, उनके ऊपर हज़ारों दिरहम जो है जुर्माने हो चुके हैं, पाकिस्तानी लाखों रुपये, इंडियन लाखों रुपये उनके ऊपर चढ़ चुके हैं, और दुनिया के लिए ऑफर लगाई है, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए नहीं है। उन्होंने कहा था जितने भी इलीगल लोग हैं, चाहे 4 साल से हैं, 5 साल से हैं, 2 साल से हैं, उनको किसी किस्म का भी कोई जुर्माना नहीं किया जा रहा था, 18 अगस्त से पहले पहले निकल जाएँ। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि मज़ीद 3 माह दे दिए हैं, अब 3 माह आपको मज़ीद दे दिए हैं। आप लोग 18 अगस्त में मज़ीद 3 माह डाल दें तो आपको मालूम हो जाएगा, 18 अगस्त से लेकर मज़ीद प्लस कर दें 3 माह। तो बहरहाल ये कुछ अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। मज़ीद 3 माह उन्होंने बढ़ा दिए हैं, अब इस 3 माह के अंदर अंदर आप लोग अपने मुल्क जा सकते हैं। आप अबू धाबी, शारजा, रियासल खैमा से आएंगे तो 6 घंटे पहले पहुँचना है, टिकट लेके पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, फिर वहाँ पे इमिग्रेशन के दफ्तर आएंगे, वहाँ अपने आपको रजिस्टर करवाएंगे तो आप लोग जा सकते हैं। अगर आपने दुबई एयरपोर्ट से जाना तो 48 घंटे पहले दुबई एयरपोर्ट में पहुँचना पड़ेगा, और टर्मिनल 2 के पास इमिग्रेशन का ऑफिस है, वहाँ पर जाकर अपने आपको रजिस्टर करवाने, लेकिन आपके पास टिकट होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आप लोग अपने मुल्क में जा सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट